वेलकम बच्चों कैसे हैं आप सभी सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम है स्वागत है गुड <laughs> मॉर्निंग नमस्कार तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं पूर्वी और पश्चिमी जेट स्ट्रीम को कवर करेंगे तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पूर्वी और पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उसको देखेंगे और उसको देखने के बाद फिर आगे जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में बात करेंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने पोस्टर लगा हुआ है किसका यू पी का और प्लस एन सी आर दस्तक का इसके लिए आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफ़र आया हुआ है इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए ही आपकी सुविधाओं के लिए कई सारे बच्चों का एक कमेंट आ रहा था सर थोड़ी फीस ज़्यादा है इसको कम कर दीजिए तो एक विशेष प्रयोजन लाया गया है किसके लिए यू पी और एन के लिए किसके लिए यू पी प्लस एन के लिए एक विशेष प्रयोजन लेकर आया गया है जिसमें अब आपको क्या मिलेगा फ्लैट 60 परसेंट का ऑफ़र मिल जाएगा यानी 60 परसेंट ऑफ़र मिलेगा यदि आप कोपन कोड यूज करते हैं सुपर 60 तो आप सुपर 60 कोड यूज़ करने के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं बच्चे 60 परसेंट का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो दोनों का एन और यू पी पी का फीस छः रुपए था वो अब घट करके आपका छा सत बयालीस अब आपको जो फीस होगी वो सत्ताईस सौ निन्यानवे रुपये हो जाएगी यानी आपको फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज़ का छूट मिल रहा है कितना फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज़ का बयालीस सौ रुपये का आपको छूट इसमें मिल रहा है इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से भी आप ले सकते हैं अलग अलग इस रूप में ले सकते हैं कि आपके यू पी की जो फीस थ्री हंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन थी इसमें आपको सिक्सटी परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आप सुपर सिक्सटी कोड का यूज का करते हैं और छा चौक कितना हो जाएगा बच्चे चौबीस सौ यानि ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और अब आपको ये तेरह सौ निन्यानवे रुपये में मिल जाएगा तो मतलब कितना कम है तेरह सौ निन्यानवे में एन सी आर टी तेरह सौ निन्यानवे यू पी पी सी एस का कोर्स तो तेरह सौ निन्यानवे में यू पी पी सी एस और तेरह सो निानवे ही रूपए में आपको क्या मिल जाएगा यूपीपीसी के साथ आपको मिल जाएगा एन का बैच तो ये दोनों के दोनों बैच क्या होंगे आपको अवेलेबल हो जाएंगे मिल जाएंगे तेरह सो निन्यानवे तेरह सो निन्यानवे रुपए में तो इससे अच्छा मौका अब आपको नहीं मिलने वाला है इसको जाइए और तुरंत क्या कीजिए बच्चे डाउनलोड कीजिए तो सारे बच्चों को भाई मोस्ट वेलकम है आयुषी शंकर गायत्री विकास स्वाति रीता सुमित्रा आज हम लोग कुछ विशेष सीखने वाले हैं उसको सीखेंगे ठीक है ना दीपक कश्यप इसके बाद फिर आप देखेंगे कि आप लोगों के लिए किसी भी कोर्सेज़ पर इस वीक का एक सुपर धपा धमाका अट्ठाईस फरवरी तक फरवरी स्पेशल है ये आपका जिसमें सुपर सिक्सटी कोड के माध्यम से एग्जामपुर के किसी भी कोर्सेज पर आप क्या पा सकते हैं बच्चे आप पा सकते हैं सिक्सटी परसेंट का डिस्काउंट पा सकते हैं क्या सिक्सटी परसेंट का डिस्काउंट और इसमें आपको सुपर सिक्सटी कोड का यूज़ करना होगा अब आप कहेंगे सर आप मुझे बता क्यों रहे हैं इसलिए बता रहा हूं कि, कि आप लोगों के लिए क्या चल रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल और ज्योग्राफी ऑप्शनल अभी चल रहा है और जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बस बच्चों का बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है इसकी फीस हम लोगों ने कुल छे रुपए रखी हुई है किसके लिए ऑप्शनल के बच्चों के लिए तो जो छे रुपए आपकी टोटल फीस यहां पर रखी गई है इसमें आपको 60 परसेंट का क्या हो जाएगा बच्चे डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप अपना लगाइए कि सात हजार रुपए इसमें फीस है छः हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए साठ परसेंट यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा तो ये आपको कितने में मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा सत्ताईस सौ निन्यानवे रुपए का तो सत्ताईस सौ निन्यानवे रुपए में आप क्या कर सकते हैं इस कोर्स को ले सकते हैं और जो बच्चा हमारे सार्थक बैच का है या किसी अन्य बैच का जो पहले से इनरोल रहा है उसको भी साठ परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और किस पर पचास परसेंट पाँच हजार की फीस पर तो पाँच छत्तीस यानी उसे केवल और केवल उन्नीस सौ निन्यानवे रुपए देना होगा और उन्नीस सौ निन्यानवे रुपए में वो क्या कर सकता है इस बैच को ले सकता है ठीक है याद रखना क्या होगा उन्नीस सौ निन्यानवे रुपये में वो इस बैच को ले सकता है बहुत बेहतरीन ऑफर है ले सकते हैं क्योंकि भूगोल वैकल्पिक विषय में इन्वायरमेंट जोग्राफी बहुत अच्छे से कवर हो जाता है और पीटी में तो बहुत ज्यादा ये सहायता करता है मेंस में भी बहुत ज्यादा सहायता करता है तो आप लोग जा करके तुरंत इसे जल्दी से क्या कर लीजिए बच्चे एप्लीकेशन डाउन करके हम डाउनलोड करके इस बैच को परचेज कर लीजिए आपका जो ये बैच है सार्थक वाला इसमें भी आपको क्या करना है वही सुपर सिक्सटी कोड यूज करना है और सुपर सिक्सटी कोड के यूज करने से आपको साठ परसेंट का क्या मिलेगा डिस्काउंट मिल जाएगा और जो फीस यहाँ पर चौदह हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपये है चौदह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये इसका पंद्रह छक्का नब्बे यानी केवल और केवल सिक्स थाउजेंड यानी आप कह सकते हैं कि फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन में ये बैच आपको क्या होगा अवेलेबल हो जाएगा तो आप इसे क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बाकी आज की क्लास का हमारा जो <coughs> थीम है उसको आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पश्चिमी पश्चिमी और पूर्वी जेट स्ट्रीम पश्चिमी और पूर्वी जेट स्ट्रीम तो पश्चिमी और पूर्वी जेट स्ट्रीम के विषय में आज की क्लास में हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि ये पश्चिमी तथा पूर्वी जेट स्ट्रीम एग्जैक्टली है क्या और किस रूप में इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर पड़ता है क्या होगा इंडियन क्लाइमेट या जिसे हम लोग किस नाम से बच्चे जानते हैं भारतीय जलवायु इस इंडियन क्लाइमेट या भारतीय जलवायु पर इसका इम्पैक्ट या जो प्रभाव है वह किस रूप में बन जो है पड़ता है इसके विषय में देखेंगे ध्यान से देखना इस वर्ष के लिए आपका ख़ासतौर से पश्चिमी जेट स्ट्रीम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है इसलिए इसके जितने भी डायमेंशन हैं जितने भी आयाम हैं उस पर विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता है ताकि इस बार के यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर यदि पश्चिमी जेट स्ट्रीम से प्रश्न पूछता है तो आपका क्या हो बच्चे गलत ना हो क्या हो गलत ना हो इसी से जुड़ा एक और आपको चीज़ जो देखनी होगी वो आप चंता में देखते होंगे डोम की कंडीशन क्या होगा बच्चे डोम शीत डोम मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि आपने सुना होगा पिछले साल मई के महीने में 2021 में कि आपके कनाडा में क्या बन गया था तो कनाडा में हीट डोम की कंडीशन बन गई थी किसकी कंडीशन हीट डोम की कंडीशन बन गई थी तो जिस तरीके से कनाडा के अंदर हीट डोम की कंडीशन बन गई है और वहां पर समस्या उत्पन्न हो जा रही है वैसे पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण भारत के अंदर शीत डोम की कंडीशन बन सकती है तो सवाल यही आपसे एग्जाम के अंदर हो सकता है इस बार पूछ ले कि शीत डोम की जो कंडीशन है वो इस बार कहां पर भारत के अंदर बनने की संभावना है और किस क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा जा सकता है इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ सकता है अगर प्रश्न पूछता है तो आपको जवाब देना होगा ठीक है चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पश्चिमी जेट स्ट्रीम से पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिमी जेट स्ट्रीम या इसको हम लोग वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं वेस्टर्न जेट स्ट्रीम या इसको हम लोग पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है या जिसे हम लोग वेस्टर्न जेट स्ट्रीम बोलते हैं ये है क्या यहीं से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी इसके पहलू होंगे जितने भी इसके बिंदु होंगे उसको समझने की क्या करते हैं बच्चे कोशिश करते हैं ठीक है क्या होगा इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है क्या <स्थाँगा> तो आप अक्सर सुनते हो जेट स्ट्रीम ये जेट स्ट्रीम क्या होता है तो आप कहेंगे कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऐसे लहराते हुए क्या होगा ऐसे लहराते हुए चलने वाली जो हवाएं हैं, हैं, इन्हीं हवाओं को हम लोग क्या बोलते जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं जो ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण है। क्या होगा ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण है ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण है और इस परिसंचरण का प्रभाव हम देखेंगे कि भारत में भी पड़ता है क्या इस परिसंचरण का प्रभाव भारत के अंदर भी पड़ा करता है आइए हम देखते हैं कि जिस तरह से लहराते हुए चलने वाली ये हवाएं हैं इन हवाओं की गति बहुत ज़्यादा होती है ये वायुमंडल में ऊपर एकदम से चलती हैं सात से ग्यारह किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं लेकिन वो चलने के दौरान ये हमारे निचले जो वायुमंडल के भाग हैं या आप कह सकते हैं मौसम और जलवायु है उस पर भी कही कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव डालता है देखना यही है कि इसका वायुमंडल के निचले भागों में जो प्रभाव है वह किस रूप में और कैसे हमको क्या होता है बच्चे देखने को मिलता है एक एक करके सारे बिंदु को अच्छे से समझते हैं ध्यान से ये देखना है कि ये जो चलने वाली हवा है ये है क्या तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम अगर हम देखेंगे तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर भारत का मैप बना लेते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये मान लू कि ये इंडिया है ये फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है बच्चे भारत है तो इस भाग में यहां पर ऐसे एक चलने वाली आपकी हवा है जिसके हम लोग क्या बोलते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिमी जेट स्ट्रीम इसको कहते हैं और यह इस रूप में बहते हुए आती है उस बहने के दौरान हम देखेंगे इसमें दो कंडीशन एक सबसे पहली कंडीशन हम कब देखते हैं गर्मियों के दिनों में देखते हैं तो गर्मियों के दिनों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहाँ पर प्रवाहित होती है तो हम कहेंगे कि गर्मियों के दिनों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम तिब्बत पठार कब क्या कहेंगे तिब्बत पठार पर यह चलती है और तिब्बत पठार पर इसलिए चलती है क्योंकि कहा जाएगा आई का उत्तर उत्तर की ओर उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है तो उत्तर की ओर खिसकाव के वजह से हम देखते हैं कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहां पर चलती है तिब्बत के पठार पर लेकिन जैसे ही एक बार पुनः क्या होता है उत्तरी गोलाध्र में यानी जहां पर भारत है वहां पर गर्मी का मौसम शुरू हो गया जहां पर भारत है वहां पर जैसे ही आपके गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है अर्थात हम ये देखेंगे सॉरी ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है और यहाँ का तापमान आपका क्या हो गया कम हो गया वैसे ही हम देखते हैं कि जो पश्चिम आपका आई है इस आई का ठंडियों के दिनों में ठंडियों में क्या हो जाएगा ठंडियों में दक्षिण की ओर खिसकाव हो जाता है और जब इसका दक्षिण की ओर खिसकाव हो जाएगा तब देखते हैं कि जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये चलते हुए आएगी और उस आने के दौरान ये क्या करती है यहाँ पर हिमालय से टकराती है और टकराने के बाद ये क्या होगा दो शाखाओं में बट जाती है याद रखना क्या होगा यहाँ पर दो शाखाओं में बट जाती है इसकी एक शाखा कहाँ पर चली जाती है इसकी एक शाखा यहाँ पर चली जाती है अर्थात तिब्बत के पठार पर तो तिब्बत के पठार पर एक शाखा चली जाएगी और यह कहलाएगी क्या उत्तरी शाखा क्या कहलाएगी ये उत्तरी शाखा कहलाती है जबकि दूसरी शाखा जो आपकी है वो चली आती है उत्तर पश्चिम भारत में किधर चली आएगी यहां पर चली आएगी अर्थात पश्चिम भारत में अच्छा जब ये उत्तर पश्चिम भारत में भारत के अंदर ठंडियों के महीने में नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी के मिड वीक तक क्या है भारत के अंदर ये चलने लग जाती है हमने क्या कहा नवंबर लास्ट दिसंबर जनवरी और फरवरी के मिड वीक तक ये भारत के अंदर चलने लग जाया करती है और जब भारत के अंदर ये चलती है तो उस चलने के दौरान या भारत के जलवायु पर किस तरह का प्रभाव डालती है भारत के मौसम पर किस तरह का प्रभाव डालती है और भारत में ठंडियों में होने वाली वर्षा पर इसका क्या प्रभाव होता है ये पूरी प्रक्रिया को हम क्या करेंगे एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि इसका किस तरीके से भारत के जलवायु पर प्रभाव पड़ता है ठीक है तो ये पॉइंट आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई चलने वाली हवा और किस रूप में ये क्या कर रही है आ रही है दो शाखाओं में बट रही है शाखाओं में बटने के बाद फिर हमने कहा कि इसकी एक शाखा ये इधर की ओर आती है अब हम लोग क्या करेंगे इसी को नेक्स्ट मैप में बना करके एक बार देखने का प्रयास करेंगे हम लोग यहां पर मैप ले लेते हैं इंडिया का और उसमें क्या करेंगे देखेंगे जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये इंडिया का मैप है ठीक है क्या मान लें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या बच्चे इंडिया का मैप है अब इस मैप को क्या करना अच्छे से समझना इस मैप को क्या करना है अच्छे से समझना है कि यहाँ पर लहराते हुए चलने वाली जो हवा है वो हवा कौन सी थी जेट स्ट्रीम थी ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर दो शाखाओं में बट गई इसकी एक शाखा किधर की ओर इधर की ओर चलने लग गई एक दूसरी शाखा आपकी कहां पर इधर की ओर चलने लग गई ऐसे इधर वाली शाखा कहलाती है दक्षिणी शाखा इधर वाली शाखा दक्षिणी शाखा के रूप में जानी जाती है और दक्षिणी शाखा के रूप में ये बहते हुए भारत के अंदर प्रवेश करती है भारत के अंदर जब ये प्रवेश करती है उस प्रवेश करने के दौरान हमको देखने को मिलता है कि यहां से इस रूप में ये बहते हुए आएगी और उस आने के दौरान क्या करेगी अपने साथ तब हम कहेंगे कि जब ये भारत के अंदर इस रूप में आती है प्रवाहित होते हुए तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ को जन्म देती है क्या करती है पश्चिमी विक्षोभ को जन्म देती है इसी को हम लोग वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से भी जानते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं ठीक है क्या होगा इसी को हम लोग वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से जानते हैं और हम लोग देखने को क्या पाएंगे किस तरह से पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत के अंतर आती है विक्षोभ का क्या मतलब होता है आप शब्द सुनते हैं विक्षोभ इसका मतलब होता है मौसमी परिवर्तन या मौसमी घटनाओं को जन्म देना विक्षोभ कहलाता है यहाँ जब ये भारत के अंदर ठंडियों के दिनों में चलने लगती है तो भारत के जलवायु पर कैसे प्रभाव डालती है ये बहुत समझने वाला बिंदु है बहुत ध्यान से इसको समझना ठंडियों के दिनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम यूरोप मान लें तो इस यूरोप के अंदर बन जाया करता है क्या इस यहाँ यूरोप में जो अभूमध्य सागर है या यूरोप का पश्चिमी तट है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर बनते हैं और जब ये चक्रवात यहाँ बनते हैं और ये हवा ऐसे चल रही है तो यहाँ पर बलने वाला जो भी चक्रवात होगा उसको ये अपने साथ ले लेती है और अपने साथ ला करके के ये क्या करती है भारत के अंदर उसको प्रवेश करा देती है और इस तरीके से यह चक्रवात इस हवा के साथ होते हुए कहाँ जाता है भारत के अंदर आ जाता है जब आप भारत के अंदर सुनते हैं कि चक्रवात आया है तो उससे क्या समझ में आता है हवाएँ चलती हैं नमी हो जाती है वायु के अंदर वर्षा होने लग जाया करती है भारत के अंदर तो जाहिर सी बात है अगर ये चक्रवात भारत के अंदर आ रहा है तो इससे एक बात ये समझ में आएगा कि हाँ इससे क्या होगा भारत के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा वर्षा होगा नमी होगा और ये हवा कहाँ से आ रही है आप कहेंगे कि भाई शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से यूरोपीय देशों से भूमध्य सागरीय भागों से जहाँ ऑलरेडी तापमान काफी ज्यादा क्या है ठंडियों में कम है और जब ऐसे भागों से हवाओं का प्रवाह हो रहा है जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा कम है ऐसे कंडीशन में वह हवा जब भारत के अंदर पहुँचेगी तब भारत में वह दो काम करेगी एक तो सबसे पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के माध्यम से भारतीय हवाओं के अंदर नमी की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है दूसरा भारत के अंदर ठंडियों में वर्षा कराने का काम करती है और तीसरा उत्तर भारत के मैदानी भागों के तापमान को कम करने में तथा शीतलहर की घटनाओं को बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है तो जब भी आपसे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछ ले तो आपको कहना ये है कि ये तीन चीज़ों पर इसका गहरा प्रभाव होता है एक सबसे पहला कि इसके द्वारा एक काम किया जाएगा मैंने यहाँ पर क्या बताया कि इसके द्वारा तीन प्रभाव उत्पन्न किया जाता है पहला क्या होगा पहला हो जाएगा आपका तीन प्रभाव कौन कौन सा उत्पन्न किया जाता है तो मैंने सबसे पहला आपको बताया कि इसके द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को बढ़ाया जाता है क्या होगा वायुमंडलीय आर्द्रता यानी एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता में इसके द्वारा वृद्धि किया जाता है और वायुमंडलीय आर्द्रता के बाद इसके द्वारा भारत में क्या कराया जाता है वर्षा कराया जाता है और एक तीसरा हमने कहा कि शीत लहर को जन्म दिया जाता है क्या हो जाएगा बच्चे आपका शीत लहर को जन्म दे दिया जाता है तो ये हवा आएगी और इस पूरे के पूरे एरियाज के अंदर हम देखेंगे कि इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर शीत लहर की घटना को ये जन्म दे दिया करती है क्या करती है शीत लहर की जो घटना है उस शीत लहर की घटना को ये जन्म दे दिया करती है तीन बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि ये क्या कराएगी वर्षा कराएगी क्लास के अंदर ऐसा पढ़ो कि यही याद हो जाए और क्लास के अंदर वो ना पढ़ो जो ट्रेडिशनल हो वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने वाला है जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछता है मैं बार बार ये बात आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको हमेशा तथा कथित तरीके से परंपरागत तरीके से पुराने तरीके से आपको नहीं पढ़ना है आप मोबाइल का जो लॉक है उसमें अगर आप पुराना लॉक पुराना जो है कोड डाल दो तो एक लॉक नहीं खुलता है ये तो आपका आई का इतना बड़ा एग्जाम है अगर आप पुराने पैटर्न पर इसको फॉलो करोगे आपको क्या लगता है एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है नहीं बिल्कुल नहीं होने वाला है आई में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो प्रकृति है आई में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो टॉपिक है वो प्रकृति और वो टॉपिक पूछने का तरीका हर दो ढाई हर दो तीन वर्षों पर बदल जाया करता है अगर आप देखेंगे 2014 का पेपर 2015 का पेपर 2016 का पेपर तो 2014-15 का पेपर 2016 में एकदम अलग हो जाता है 2017 का पेपर 16 से अलग हो जाता है और आप देखेंगे दिन प्रतिदिन जो आपके एग्ज़ाम के पेपर हैं उसमें बहुत तीव्र गति से बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है बदलाव हो रहा है ऐसे कंडीशन में हमें करना ये है कि अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से नए मेथड से नए आयाम से पढ़ाई करेंगे तो हम एग्ज़ाम के ज़्यादा नज़दीक पहुँचेंगे और हमारा क्या होगा सिलेक्शन होगा अगर हम पुराने तरीके से पढ़ेंगे तो हमें क्या होने लगेगी दिक्कत होने लग जाएगी हम एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे कई बच्चों का ये होता है कि सर हम वो होता क्या है कि हम पुराने तरीके से पढ़ते हैं उन्हें ए बी सी डी पढ़ाओ उन्हें लगता है कि अच्छा अंदेश अंतर पढ़ लेने से सिलेक्शन होगा अरे उसमें भी अब नए तरीके से पढ़ना होगा जलवायु को पढ़ रहे हो उसमें भी नए तरीके से आपको पढ़ना होगा तो हो सकता है वो नया तरीका आपको एडॉप्ट करने में थोड़ा सा समस्या हो थोड़ा सा टेंशन हो थोड़ा सा मेहनत हो थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा हो लेकिन उसी तकलीफ़ से आपको जूझना होगा तभी जाकर के आप पैटर्न को फॉलो करेंगे जब मुश्किलें आए तो उससे लड़ना चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा कठिनाइयाँ आपके जीवन में आएंगी आपका जीवन उतना ज्यादा समर जाएगा क्योंकि ए पी अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंसान के अंदर ही दुनिया का सबसे ज्यादा खजाना छिपा हुआ है मुश्किलें और कठिनाइयां उसको बाहर निखारने का काम करती हैं तो डरना नहीं है ये नहीं कि हमको बदलना ही नहीं है बदलना है अपने आप को और बहुत अच्छे से बदलना है तो बेसिकली हम यहां पर बात यह कर रहे थे कि जब यह भारत के अंदर आएगी तो इसका तीन प्रभाव एक तो वायुमंडल के अंदर आद्रता आ जाएगा वर्षा होने लग जाया करती है और इसके साथ साथ हमारा शीतलहर की जो घटनाएं हैं वो शीतलहर की घटनाएं जन्म ले लेती हैं इसलिए हम लोग क्या देखने को पाते हैं कि जैसे आपका उत्तर प्रदेश है बिहार है उसके बाद फिर आपका दिल्ली है हरियाणा है पंजाब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है कुछ क्षेत्र राजस्थान का आपका है कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का भी है इन क्षेत्रों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस पश्चिमी जेट स्ट्रीम का क्या होता है प्रभाव होता है और उसकी वजह से यहाँ कोहरे की स्थिति पाई जाती है और उन्हीं दौरान यहाँ पर क्या होता है ठंडियों में वर्षा भी होता है ठंडियों में यहाँ पर जो वर्षा होता है वह किस रूप में होता है कैसे होता है और उसके लाभ क्या क्या होते हैं एक एक करके हम लोग सारे पहलुओं को डिटेल में क्या करते हैं चर्चा करते हैं तो ध्यान से मेरे प्यारे साथ इसको समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर अगर हम ठंडियों के दिनों में बात करेंगे जो वर्षा होती है वह किस रूप में होती है ठंडियों के दिनों में यहां पर जो वर्षा होती है वह एक तो क्या होगी धीमी गति से होती है पहला क्या होगा वर्षा धीमे धीमे होता है कई बार आपने फील किया होगा लेकिन इसका काल अधिक होता है यानी लंबे समय तक यह वर्षा होती रहती है क्या होगा लंबे समय तक यह वर्षा होती रहती है तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि इसमें जो वर्षा या रेनफॉल होती है वह धीमे धीमे होती है लेकिन जो इसके अंतर्गत वर्षा होती है वह वर्षा लंबे समय तक हुआ करती है क्या हो जाएगा वह जो रेनफॉल है या वो जो वर्षा है वह वर्षा लंबे समय तक हुआ करती है और जब यह वर्षा बच्चे लंबे समय तक हुआ करती है धीमे धीमे हुआ करती है तो हम देखेंगे कि इस वर्षा काल का प्रभाव क्या होगा तो एक सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि कहा जाता है कि ये जो वर्षा हो रही है वो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से इधर की ओर जा रहे होते हैं वर्षा में क्या आता है बच्चे कमी आता है अर्थात इसका प्रभाव देखेंगे तो यहां पर कहा जाता है कि लगभग अमृतसर से लेकर के अमृतसर से लेकर के पटना तक वर्षा होता है अर्थात पटना में सबसे कम वर्षा होगा पश्चिमी विक्षोभ से और सबसे अधिक वर्षा कहां पर होगा अमृतसर के अंदर हुआ करता है कहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा अमृतसर के अंदर होता है जबकि सबसे कम वर्षा पटना के अंदर हुआ करता है यानी पश्चिम से पूर्व इसमें वर्षा की मात्रा में कमी आता है अब इसका लाभ क्या है दो लाभ हैं उन दिनों में बल्कि कई और और भी लाभ को गिना सकते हैं पहला लाभ इस वर्षा से ये है कि जो गर्मी ठंडियों के दिनों में दिल्ली या आपके कानपुर लखनऊ जैसे मुरादा मुरादाबाद आपका मेरठ जैसे जो शहर हैं इन शहरों का प्रदूषण ठंडियों के दिनों में इस वर्षा के दौरान डिक्रीज़ हो जाता है घट जाया करता है और यहाँ जो धुंध छाई रहती है उस धुंध वो धुंध क्या होती है एक प्रकार से समाप्त तो होती भी है दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ के जो तापमान है जलवायु परिवर्तन पर जो इसका प्रभाव है या मौसमी परिवर्तन है उसको भी नियंत्रित करने का काम करती है कैसे काम करती है तो जब दिल्ली के अंदर या किसी बड़े शहर के अंदर देखो नया पॉइंट है नए तरीके से समझना ये पॉइंट कहीं मिलेगा नहीं मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इसको एग्जाम में हो सकता है जोड़कर आपसे पूछे हम लोग यहाँ पर क्या देखने को पाएंगे कि गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं ठंडियों के दिनों में देखते हैं कि जो पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी एक चादर बन जाती है तो सूर्य की किरणें उसे भेद कर पृथ्वी पर नीचे नहीं आ पाती हैं क्या नहीं आ पाती हैं उसे पृथ्वी पर उसे भेद कर पृथ्वी पर नीचे नहीं आ पाती हैं और जब उसे ये भेद कर पृथ्वी पर नीचे नहीं आ पाती हैं उस दौरान हमको क्या चीज़ देखने को मिलता है कि जब ये उसे भेद कर नीचे नहीं आ पाती हैं तो उसके वजह से शहरों का तापमान बहुत ज़्यादा घट जाता है और वहाँ एकदम से कड़ाके की ठंड पड़ने लग जाया करती है टेम्परेचर माइनस में चला जाया करता है क्या होता है बच्चे तापमान जो है वो माइनस में चला जाता है आप जो है दिल्ली को देख सकते हैं आप दिल्ली को देख सकते हैं बच्चे दिल्ली में इस तरह की घटनाएं आपको क्या होगा देखने को मिलती हैं ऐसा होता है क्यों क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है अब ऐसी कंडीशन में अगर बारिश हो जाएगी तो ये पॉल्यूशन छट जाएगा तो ये बात कहा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ जब आता है भारत के अंदर तो उससे यहाँ के प्रदूषण स्तर में कमी भी आता है और शहरों में जो शीतलहर की घटनाएं चरम स्थिति में होती हैं उसको नियंत्रित करने में भी ये क्या करता है सहायता करता है क्या होता है उसको चरम स्थिति में पहुंचाने जो पहुंचती हैं उसको नियंत्रित करने में भी ये क्या करता है बच्चे आपका आंसर होगा हेल्प करता है या सहायता करता है तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा कि ये किस तरीके से क्या करता है उसको हेल्प करता है या सहायता करता है इसके साथ साथ एक और पॉइंट हमने जो आपको बताया हुआ है ठीक है ना एक चीज हमने आपसे कहा कि भाई इसके द्वारा शीतलहर की घटनाओं को जन्म दे दिया जाता है अब यहां पर एक जो चीज है उसको देखना कि इसके द्वारा एक और काम किया जाता है कि यहां पर हिमालया के अंदर हिमालया क्षेत्र है यहां पर यह हवाएं जाकर के क्या करती हैं पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी हुआ करती है बर्फ के रूप में वर्षा हुआ करती है और एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बर्फबारी भी हुआ करती है और बर्फ़बारी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसका प्रभाव हमारे उस दौरान की जो खेती की जा रही है यहाँ पर जो खेती की जाती है ठंडियों के दिनों में उस पर प्रभाव डालता है अर्थात हम कह सकते हैं कि रबी फसलों पर गेहूं वगैरह पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है सकारात्मक प्रभाव किस रूप में पड़ता होगा इस पर आपसे क्या करेगा पॉइंट दे देगा देखिए सकारात्मक रूप में इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो किस रूप में पड़ता है ये पॉइंट दे सकता है आप कहेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी से गेहूं या जो रवि की फसलें हैं गेहूं या रवि की फसलों पर प्रभाव पर किस रूप में ये डालता है तो गेहूं या जो आपके रवि की फसलें हैं उस पर यह प्रभाव अपना किस रूप में डालता है इसको भी हम लोग क्या करते हैं देखते हैं आपसे यह पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको नोट कर लीजिए हो सकता है पॉइंट आपसे क्या करे एग्जाम के अंदर दे दे कि किस रूप में यह प्रभाव डालती है देखे ध्यान से पश्चिमी विक्षोभ से गेहूं की फसलों पर प्रभाव पर इस रूप में पड़ता है क्योंकि शीतकाल लंबा हो जाता है शीतकाल क्या हो जाता है लंबा हो जाता है और जब शीत का लंबा हो जाता है तो तापमान में क्या होती है सबसे पहला पॉइंट होगा तापमान में कमी और जब तापमान में कमी आता है तो आप कहेंगे फसल पकने की अवधि में वृद्धि फसल पकने की अवधि में वृद्धि हो जाती है अवधि में क्या हो जाएगा सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि फसल पकने की अवधि में क्या है वृद्धि हो जाएगा अब इस वृद्धि का गेहूं की फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कैसे पड़ेगा यह समझेंगे तो सबसे पहला होगा और दूसरा कहेंगे कि वायुमंडलीय नमी, वायु नमी और मिट्टी में नमी और मिट्टी में भी क्या हो जाएगा नमी हो जाएगा तो मिट्टी में और इन दोनों में यदि नमी हो जा रहा है क्या हो रहा है यदि नमी इन दोनों में हो रहा है तो इस नमी का बेसिकली प्रभाव क्या होगा किस रूप में होगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करना सबसे पहला हमने कहा शीतकाल लंबा हो जाने से तापमान में कमी आ जाता है और फसल पकने की अवधि में वृद्धि हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने गेहूं लगाया फरवरी का महीना आया और उस उस वर्ष शीतकाल छोटा है तो क्या होगा फरवरी में ही बहुत तेज हवाएँ तेज, तेज गति से चलेंगी और जो आपके गेहूं की फसल है वह फर मार्च आते आते 10-15 मार्च तक पूरी तरह सूख जाएगी और जब सूख जाएगी तो उसके दाने जितना बड़े बनने थे उतना नहीं बन पाएंगे बल्कि क्या हो जाएंगे छोटे छोटे ही रह जाएंगे सूख जाएंगे और जब सूख जाएंगे तो आप जानते हैं सूखा हुआ पौधा एक तरीके से मर जाता है और अब उसमें कोई विकास या ग्रोथ नहीं हो सकता है तब ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि गेहूँ का जो उत्पादन होता है ना उस उत्पादन में एक प्रकार से कमी आ जाया करती है अगर हमें इस कमी से बचना है तो इस कमी से बचने के लिए हमको क्या करना होता है तो हम कहेंगे कि जब शीतकाल लंबा हो जाएगा तापमान घट जाएगा तो फिर ये फसलें जल्दी से पकेंगी नहीं तो परिपक्वता अवधि क्या होगी बढ़ जाएगी क्या शब्द यूज किया हो सकता है एग्जाम में यही पॉइंट दे दे परिपक्वता अवधि गेहूं की बढ़ जाया करती है क्या हो जाती है परिपक्वता अवधि गेहूं की बढ़ जाया करती है और उसके वजह से ही हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है एक प्रश्न और आपसे हो सकता है एग्जाम के अंदर जो है घुमा करके इसी पश्चिमी जेट स्ट्रीम से पूछ ले और वहां हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाए कि क्या कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा के अंदर गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है बन पूर्वी यूपी और बिहार की तुलना में आपका यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर के पश्च हरित क्रांति वगैरह जो है वो तो दे ही सकता है लेकिन इसको जलवायु से जोड़ करके जो पॉइंट बनाएगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है क्या होगा जलवायु से जो जोड़ करके आपसे पॉइंट बनाएगा उस क्लाइमेट से जोड़ करके जो पॉइंट बनाने वाला है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस विषय पर ध्यान देना है कि जब उसको यहाँ से जोड़ करके पॉइंट बनाएगा तब आपको क्या करना है आंसर लगाना है। है अब अच्छा जोड़ के क्या पॉइंट बनाएगा कि क्यों वृद्धि होता है? तो क्या जवाब दोगे आपका आंसर होगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के दौरान शीतकाल का प्रभाव और वर्षा का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में ज्यादा होता है इसलिए यहां पर गेहूं के पक पर गेहूँ के परिपक्वता अवधि गेहूं की पकने की अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में चूंकि लंबा हो जाता है तो लंबे काल होने की वजह से गेहूं को पकने का पर्याप्त मौका मिल जाता है इसलिए यहां पर गेहूं की बालियां मोटी होती हैं गेहूं में गेहूं का प्रति प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा जो प्रति प्रति बीघा कुंट प्रति बिघा जित जो कुंटल का उत्पादन है वह भी आपका यहाँ पर ज़्यादा होता है बनस्बत आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में ये भी आपसे पॉइंट दे सकता है कि आप अगर गेहूं के दाने की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के दाने बड़े और मोटे होते हैं जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में गेहूं के दाने पतले और छोटे होते हैं वज़न कम होता है इसके पीछे कारण क्या है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीएससी पी यहाँ तक जा सकती है क्या कर सकती है यूपीएससी इस डेफ तक इस बिंदु तक भी आपसे क्या कर सकती है जाकर के प्रश्न पूछ सकती है आपको करना क्या है उसी नजरिए से उसी तरीके से उसको कवर करना है ताकि एग्जाम में आपका जो काम है वो बेहतर हो जाए यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों को चीजें एकदम से क्लियर हो गई होगी चीजें समझ में आ रही होंगी कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें हैं क्या पश्चिमी विक्षोभ से रिलेटेड जितनी बातें थी उसको हमने क्या क्या बताया लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको क्या करना है समझने की कोशिश करनी है वो क्या होगा हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि ये शीत डोम क्या होता है शीत डोम क्या होता है और एक हमारा क्या हो जाएगा बच्चे हीट डोम क्या होता है क्या होता है बच्चे शीत डोम क्या होता है और शीत डोम के साथ साथ आपका हीट डोम क्या होता है इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं एक बार देखने की कोशिश करेंगे तो हीट डोम की जो घटना है ये कहां पर हुई थी कनाडा में हुई थी हीट डोम की घटना कहां पर हुई थी कनाडा के अंदर हुई थी और हमने क्या देखा था कि वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो गया था वायुमंडलीय तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया था और ये जो वायुमंडलीय तापमान है इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या है आपने कभी सोचा था हीट डोम के कंडीशन में कनाडा के अंदर जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था उसमें बेसिकली क्या घटना हुई थी मेरी बात समझ में आ रही है ना बताओ क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था मैं आपको इसको समझाता हूं कि यहां पर हुआ क्या था यहां पर आपका हुआ कुछ इस रूप में घटना था कि अगर हम ये मान लें क्या हो जाए बच्चे अगर हम यह मान लें हमारा क्या है उत्तर अमेरिका है उत्तर अमेरिका में यहां पर क्या है आपका कनाडा है तो इसी भाग में हम देखेंगे कि हीट डोम की घटना हुई थी कैसे घटना हुआ था देखो वायुमंडल के ऊपरी भाग में यहां क्या चल रहा था ऐसे पश्चिमी जेट स्ट्रीम चल रही थी इसी दौरान हम लोगों ने देखा कि महासागरों से गर्म हवा कहां आ गई इधर की ओर आ गई तो महासागरों से गर्म हवा यहां आ गई और गर्म हवा आई तो उसने क्या किया यहां के तापमान को बढ़ाया अब ये गर्म हवा कहां जाने लग गई ऊपर की ओर जब यह हवा गर्म हवा जब यह गर्म हवा ऊपर की ओर जाने लग गई तो ऊपर क्या है पश्चिमी जेट स्ट्रीम चल रही है, और पश्चिमी जेट स्ट्रीम ने एक तरीके से ढक्कन का कटोरे का डोम का काम किया तो जैसे आपके घर में क्या जल रहा हो केतली हो या बर्तन हो उसमें चाय पका ऊपर से ढक्कन डगा दो तो ढक्कन क्या करेगा वहां से उषमा या हीट को बाहर नहीं निकलने देगा वही सेम काम यहाँ पर भी इस पश्चिमी जेट स्ट्रीम ने किया इसने यह किया कि ये यहाँ से जो उस हीट आई हुई है इसको जाने ही नहीं दे रही है और जब ये ऊपर जा ही नहीं रही है तो उसी की वजह से हमने क्या देखा कि इस भाग में कनाडा का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर कहा जाता है कि लोगों की जाने भी गई बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया बहुत ज़्यादा बिजली का उत्पादन बहुत ज़्यादा बिजली की खपत हुई बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु हो गई और यहाँ कहा जाता है कि करोड़ों अरबों का आर्थिक क्षति हुआ मात्र केवल तीन से चार दिन के अंदर अंदर और यहाँ बड़े स्तर पर क्या हुआ हरासमेंट हुआ बड़े स्तर पर सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस का सामना यहाँ पर करना पड़ा कई वो बिल्डिंगों में आग लगने की घटनाएं भी देखने को मिली इसी तर्ज पर भारत के अंदर दिल्ली में क्या शीत डोम की कंडीशन बन सकती है आइए हम लोग चलते हैं और इसके विषय में क्या करेंगे बच्चे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या भारत के अंदर शीत डोम की कंडीशन इंडिया के अंदर जन्म ले सकती है तो भारत में हीट डोम की कंडीशन बनने के कई चांसेस नहीं है बट भारत के अंदर शीत डोम की कंडीशन बनने के चांसेस हैं और शीत डोम की कंडीशन जब बनेगी तो किससे इसी पश्चिमी जेट स्ट्रीम से बनेगी कैसे शीत डोम की कंडीशन बनेगी आइए हम लोग चलते हैं और इसके विषय में बात करेंगे कि भारत के अंदर शीत डोम की जो कंडीशन है या शीत डोम की कंडीशन दक्षिणी वाकर दोलन बता दीजिए अभी दक्षिणी वाकर दोलन पर आएंगे तब बताएंगे बच्चे अभी नहीं अभी आज की क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे बाकी आएंगे आगे तब इसके विषय में बात करेंगे ठीक है तो यहां पर बेसिकली हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे हीट डोम की हीट डोम के बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा शीत डोम तो अगला हेडिंग आपको डालना क्या है शीत डोम के विषय में चर्चा करनी है क्या होगा बच्चे शीत डोम के विषय में हमें बात करनी है ये शीत डोम की कंडीशन भारत के अंदर कहां पर बनेगी भैया बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपसे पूछने जाने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में किस भाग के अंदर हम लोग देखेंगे कि शीत डोम की जो कंडीशन है वह आपकी बन जाया करती है तो भारत में कहाँ पर शीत डोम की कंडीशन बनेगी इसको हम लोग समझने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है दिल्ली है या यहाँ पर जो आपके क्या कह सकते हैं शहर हैं उन शहरों में शीत डोम की कंडीशन इस रूप में बन सकती है कि अगर हम ये मान लें कि ये लहराते हुए हमारी हवा चल रही है जिसका नाम क्या है पश्चिमी जेट स्ट्रीम वेस्टर्न जेट स्ट्रीम वेस्टर्न जेट स्ट्रीम फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लें कि वेस्टर्न जेट स्ट्रीम ये आपकी चल रही है इस चलने के दौरान एक घटना होती है कि हवा क्या होती है यहाँ ऊपर की ओर नहीं उठ पाया करती है ऐसे कंडीशन में प्रदूषित हवा क्या होगी क्या कह सकते हैं पॉल्यूटेड हवा इस भाग के अंदर जन्म ले सकती है और जब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा होगा क्या होगा पॉल्यूशन का लेवल या प्रदूषण स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से जो सनलाइट है वो इसको क्रॉस करके किस भाग के अंदर इस धरातलीय भाग में यहाँ नहीं आ पाएगी और जब ऊपर दिल्ली के प्रदूषण बढ़ गया और सूर्य के किरणें नीचे नहीं आ पाएगी तो उस नीचे ना आ पाने की वजह से दिल्ली का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगा और जब दिल्ली का तापमान बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो हम कहेंगे इसका मतलब दिल्ली के अंदर शीत डोम की कंडीशन एक प्रकार से बन गई है क्या हो गई है दिल्ली के अंदर शीत डोम की कंडीशन बन गई है अर्थात दिल्ली का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो गया है क्या हम ये बात कहेंगे कि शीत डोम की कंडीशन दिल्ली में कभी बना है हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 2019, 2019 में जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये सेम घटना हुई थी हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि उसको शीत डोम शब्द नहीं दिया गया था लेकिन अगर पूरे घटना या प्रक्रिया की बात करेंगे तो यह पूरी की पूरी घटना या प्रक्रिया इस समान यह समान रूप से यहां पर देखने को मिली थी कि 2019 के दौरान यहां पर शीत डोम की घटना देखने को मिली है और हुआ यह था कि दिल्ली के लोधी रोड का तापमान दिल्ली के लोधी रोड का दिल्ली के रोडी रोड का तापमान दो डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो गया था किसी स्थान पर पार्लियामेंट जहां पर हमारी संसद भवन का तापमान साढ़े तीन डिग्री के आसपास हो गया था और दिल्ली के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई थी और लगभग फिफ्टीन डेज तक लगभग पंद्रह दिनों तक क्या हो गया था सूर्य निकला ही नहीं था क्या था लगभग फिफ्टीन डेज तक क्या हो गया था सन निकल दिखाई ही नहीं दिया था तो इस तरह की जो समस्या है वो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा देखने को मिला था हीट डोम या शीत डोम के कंडीशन में तो हीट डोम कहाँ पर वहां पर भारत के अंदर शीत डोम कैसे बनेगा यहाँ पर तो ये पॉइंट याद रखना है ताकि अगर आपसे एग्जाम के अंदर ये चीज पूछ ले तो आपको क्या करना है उसका जवाब दे लेना है एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या ये पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ गया है अब देखिए कि जब शीत डोम की कंडीशन बन जाया करती है तो इस शीत डोम की कंडीशन या आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि यदि भारत के यदि भारतीय शहरों का प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है तो इसकी समस्या के समाधान के लिए कौन सा एक कारक जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है या तात्कालिक तौर पर इस समस्या को कम कर सकता है वह क्या किया जा सकता है आपका सरल सा आंसर हो जाएगा हम लोग कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं इस समस्या के समाधान के लिए आर्टिफिशियल रेनफॉल या हम लोग जिसे कृत्रिम वर्षा बोलते हैं उसे करवा सकते हैं तो कृत्रिम वर्षा यहाँ पर कराया जा सकता है और कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है क्या सिल्वर आयोडाइड तो कृत्रिम वर्षा कराया जा सकता है उस वर्षा के दौरान जो भी हमारे वायुमंडल का प्रदूषण है वह प्रदूषण वहाँ से कहाँ नीचे आ जाएगा और हमारा एटमॉस्फेयर या हमारा जो वायुमंडल है वो लगभग लगभग संभवतः पूरी तरीके से एकदम से साफ हो जाएगा एकदम से क्लीन हो जाएगा और इस क्लीन होने से क्या होगा जो संकट या समस्या उत्पन्न हो रही थी वह क्या होगी एक प्रकार से समाप्त तो हो जाएगी तो ये सारा बिंदु पॉइंट हो जाएगा आप इसको नोट कर लीजिए बाकी इसकी पीडीएफ डी में क्या करूँगा आपको लगवा दूंगा क्या करूँगा इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको आगे लगवा दूंगा तो हीट डोम तो हम लोगों ने देख लिया है और हीट डोम के साथ साथ सीत डोम भी देख लिया सीत डोम के बाद हम लोग देखेंगे एक क्या हमने ईस्टर्न जेट स्ट्रीम के विषय में आपको बताया है जिसे हम क्या बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम ये पूर्वी जेट स्ट्रीम है क्या तो पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारतीय जलवायु पर पड़ता पर है किस पर इंडियन क्लाइमेट या कह सकते हैं इसका प्रभाव भारतीय जलवायु पर पड़ता है और भारतीय जलवायु पर अगर हम लोग इसके इंपैक्ट या प्रभाव को देखेंगे तो किस रूप में पड़ता है आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में लाने पर भारत में भारत में लाने में क्या होगा बच्चे आपका भारत में ये लाने में हेल्प करता है या भारत में लाने में ये सहायता करती है ठीक है भारत के अंदर पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है कैसे ये आता है पूर्वी जेट स्ट्रीम है क्या तो आपको जेट स्ट्रीम शब्द का मतलब तो पता चल गया है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम का मतलब वायुमंडल की ऊपरी भाग में ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण है जो लहरदार संरचना में बहुत तेज गति से क्या होती है प्रभावित तो, प्रवाहित तो हुआ करती है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अगले पेज पर चलते हैं भारत का मैप बनाते हैं और इंडिया का मैप बना करके हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं मेरी बात समझ में आ रही है ना देखिए मेरी बात समझ में आ रही है चलिए देखिए यहां पर ध्यान से क्या करना है आपको समझने की कोशिश करनी है ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा भारत फॉर एग्जाम्पल है इंडिया आपका है इसको ध्यान से देखो यहां पर आपका क्या होगा तिब्बत का पठार ऊपरी भाग में तिब्बत का पठार या तिब्बतियन प्लेटू के नाम से हम लोग इसे जानते हैं और यहां पर यह जो आपका तिब्बत का पठार है ये, इस, ये क्या है ऊंचाई इसकी ज्यादा है ऊंचाई ज्यादा है और ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से गर्मियों के दिनों में यानी अप्रैल के महीने में जून के महीने में जुलाई के महीने में तो अप्रैल मई जून के महीने में हम देखते हैं यहां पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है क्या होगा तापमान अधिक हो जाता है और इस अधिक तापमान के कारण वायु का प्रवाह होने लगता है यानी वायु यहाँ से चलने लग जाती है और यहाँ से जो वायु चलती है यहाँ से ध्यान देना जो वायु चलती है वो कुछ इस रूप में यहाँ से होते हुए ऐसे प्रवाहित होने लगती है या चलने लगती है तो इस रूप में ये हवा जो है वो चलने लगती है और कहा जाता है कि भारत का यहाँ पर कोलकाता शहर है यहां पर भारत का बेंगलुरु शहर है थोड़ा सा और आगे बेंगलुरु इस शहर से होते हुए ये अरब सागर में आकर के उतरती है कहां पर अरब सागर के अंदर यह हवा उतरती है अरब सागर में यह हवा उतरेगी कहां पर अरब सागर में ये आएगी जहां पर यहां आपका मेडागास्कर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा अफ्रीका मेडा गास्कर यहीं पर यह हवा आकर नीचे कहाँ उतरेगी यहाँ पर अब आप कह रहे होंगे क्या ये नीचे प्रवाहित होती है नहीं ये बहुत ऊपर वायुमंडल में सात से ग्यारह किलोमीटर की ऊंचाई पर बहते हुए आएगी और आकर के पहुँचती कहाँ है अरब सागर में ये क्या होगा मेडागास्कर मेडागास्कर के पास ये नीचे उतरती है मेडा गास्कर या यहीं पर आप कहेंगे मैस्करीन हाई इधर की ओर होता है क्या मैस्करिन हाई क्या मैस्केरिनेस हाई क्षेत्र होता है इसी भाग में ये नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद ये हवा क्या करेगी यहाँ से मुड़ करके भारत की ओर ऐसे चलने लगती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में ये भारत के अंदर दस्तक देती है और इससे क्या होता है भारत के अंदर कहा जाता है कि वर्षा होने लग जाया करती है पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताया कि इसके बारे में पूर्वी जेट स्ट्रीम के विषय में पूर्वी जेट स्ट्रीम को एक बार पुनः समझने की कोशिश करना मैंने पूर्वी जेट स्ट्रीम के विषय में आपसे क्या बताया है कि गर्मियों के दिनों में जब अप्रैल का महीना होता है मई का महीना होता है जून का महीना होता है उस दौरान भारत का तो तापमान बढ़ता है तिब्बत के पठार का तापमान अन्य स्थानों से और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई थोड़ी सी अन्य स्थानों से ज़्यादा है चार हज़ार मीटर के लगभग आसपास ही ये ऊंचाई पर है और जब इसका तापमान बढ़ जाया करता है और लगभग दो हज़ार किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये इसका विस्तार फैलाव है तो ये जब गर्म हो जाता है तो यहाँ से हवा ऊपर की ओर चलना शुरू करेगी और जब ऊपर की ओर चलती है तो यहाँ से ऊपर उठेगी और ऊपर ऊपर ही वहाँ से ऐसे बहते हुए कहाँ आती है अरब सागर के पास मेडा गास्कर और यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि मेडा गास्कर और मैस्कनस हाई के पास नीचे उतरेगी समुद्र पर और नीचे उतरने के बाद ये हवा एक बार पुनः किधर की ओर आपका आंसर होगा इंडिया की ओर या भारत की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में चलने लगती है और उसकी वजह से क्या होता है भारत के अंदर वर्षा हुआ करता है तो अगर आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूर्वी जेट स्ट्रीम के निर्माण का कारण पूछेगा तो हो सकता है पॉइंट दे दे उत्तरायण सूर्य का बिल्कुल हो जाएगा कहेंगे कि जो आपका क्या हो जाएगा बच्चे आ, मेरी बात समझ में आ रही है ना उत्तरायण सूर्य का हो जा रहा है या आपसे ये कहेगा कि जो आपका तिब्बत का पठार है उसका तापमान ज़्यादा हो जाता है बिल्कुल हो जाएगा ये भारत के किन शहरों से होकर के प्रवाहित होती है बेंगलुरु कैलकाटा कह देंगे और यहाँ आएगी मशक्री ईसाई अरब सागर और मेडागास्कर के पास नीचे उतरेगी और यहाँ से फिर ये भारत की ओर चलने लगती है और भारत की ओर चलते हुए क्या करती है ये भारत पर प्रभाव डालती है जैसे ही फिर ठंडी का मौसम आने लग जाएगा तिब्बत के पठार का तापमान घटने लग जाया करता है और वहाँ पर जो वायु ऊपर उठ रही थी अब वह उठना बंद कर देती है और उससे क्या हो जाता है एक बार पुनः जो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की ओर आ रहा था वो नहीं आता है क्योंकि ये हवा आपकी चलना बंद कर देती है इस तरीके से हम कहते हैं कि गर्मियों का मौसम आते ही अप्रैल मई के महीने में तापमान बढ़ेगा ये हवा यहाँ आएगी और यहाँ से जब इधर की ओर चलने लगेगी तो जून के फर्स्ट वीक से भारत के अंदर बरसात का मौसम शुरू हो जाता है फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तब क्या देखते हैं कि जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक आते आते तिब्बत के पठार का तापमान कम हो जाने से यहाँ पर चलने वाली जो पूर्वी जैसे स्ट्रीम है वो समाप्त होने लगती है और उसके समाप्त होने से भारत के अंदर ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून करके वारिश वर्षा करा रहा है रेनफॉल करा रहा है वह वर्षा नहीं हुआ करता है और उसकी वजह से हम देखते हैं कि भारत के अंदर क्या होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का समापन हो जाया करता है यह पूरी प्रक्रिया आपको मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्वी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी जेट स्ट्रीम के विषय में जितनी चीजों को हमने बताया है आपको पूरी तरीके से अच्छे से एकदम से समझ में आ गया होगा अब आपको इस पर आधारित क्या करूंगा मैं कुछ होमवर्क देता हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में हमें ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताना है देखिए आइए हम देखते हैं कि, <खँण> कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होगा पश्चिमी जेट स्ट्रीम से पश्चिमी जेट स्ट्रीम से भारत में सर्वाधिक या सबसे अधिक वर्षा सबसे अधिक वर्षा कहां पर होगी बताइए मैं एक ऑप्शन ए में कहता हूं कि पंजाब में होता है बी में कहता हूं कि भाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है ईस्टर्न यूपी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है तीसरा मैं आपसे कहूं कि पश्चिमी बिहार के अंदर होता है पश्चिमी बिहार या मैं आपसे सॉरी ये सी हो जाएगा ये डी मान लू कि इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं ठीक है क्या होगा इनमें से कोई नहीं जल्दी से जवाब दो और बताओ कि इसका सही क्या हो जाएगा तो आपको क्या करना है ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर देना है क्या करना है इसका आंसर देना है चारों में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जाकर देना है अभी नहीं ठीक है तो आज के लिए फिर हम लोग यहीं पर रखते हैं और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताया हुआ हूँ फिर से बता दूँ कि आप लोगों के लिए विशेष ऑफर चल रहा है सुपर सिक्सटी कोड यूज करके आप साठ परसेंट का क्या ले सकते हैं सुपर सिक्सटी कोड के माध्यम से आपको साठ परसेंट का डिस्काउंट मिल सकता है सिक्सटी सुपर सुपर सिक्सटी कोड के माध्यम से यदि आप ऐसा करेंगे तो जो फीस आपकी दोनों यू पी और एन सी कॉम्बो की जो फीस यहाँ पर छः हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये है उसमें बयालीस सौ रुपये का भारी छूट मिलेगा और सत्ताईस सौ निन्यानवे रुपये का ये पूरा का पूरा बैच ही आपको अवेलेबल हो जाएगा कितना हो जाएगा सत्ताईस सौ निन्यानवे रुपये का ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा और एक दूसरा जो यहां पर आपके अलग अलग अगर फीस की बात करेंगे तो फोर थाउजेंड फीस आपके थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन रखा गया है ये थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन जो आपकी फीस है इसमें भी आपको क्या होगा कमी देखने को मिलेगा अर्थात साठ परसेंट का डिस्काउंट होगा छा चौक चौबीस सौ यानी पंद्रह सौ निन्यानवे रुपए में कितना पंद्रह रुपए में आपको एनसीआर टी और पंद्रह सो निन्यानवे रुपए में आपको यूपी पी स मतलब इससे अच्छा भाई साहब मौका मिल नहीं सकता है फोड़ दो जाकर के किसी भी तरीके से एकदम जबरदस्त तरीके से इसको तोड़ दो तो एक तो ये हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी कोर्स पर आपको सुपर सिक्सटी कोड के यूज करने से साठ परसेंट डिस्काउंट मिलेगा चाहे वो आपका भूगोल वैकल्पिक विषय क्यों ना हो भूगोल वैकल्पिक विषय की फीस जो सात हज़ार थी वो इस कोड के माध्यम से सत्ताईस सौ निन्यानवे रुपये आपकी हो जाएगी तो मेरे प्यारे साथियों जाइए इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए बाकी अगली क्लास में हम लोग जब आएंगे तब क्या करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ चीज़ों की शुरुआत करेंगे और वहाँ पर डिटेल में इसके विषय में बात करेंगे तो आज के लिए फिर हम लोग यहीं पर क्लास को रखते हैं मिलते हैं फिर से अगली क्लास के अंदर तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बच्चों इसकी पी के लिए आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा जैसा कि मैं आपको बताया ही हुआ था कि हमारा क्या करना होगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आप देख सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए लक्ष्य बैच में जाइए वहाँ पर पी मिल जाएगी जितनी भी क्लासेज हमारे होते हैं सबकी पी मिलेगी और जो प्रश्न हमने दिया है उसका ऑफलाइन जा करके कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा हम मिलेंगे जब अगली क्लास में तब उसका डिस्कशन करेंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा और भारतीय जलवायु के विषय में आने वाले 2022 में किस टाइप के और क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके विषय में एनालिसिस करते हुए अगली क्लास को शुरू करेंगे तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त थैंक यू धन्यवाद नमस्कार